अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रिजवान एंड द किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सरसों का साग विद चावल की रोटी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आधा पाव हरी लहसुन, चार टमाटर, एक किलो सरसों का साग, तड़के के लिए लहसुन, चार से पाँच अदद हरी मिर्च, वन टेबल स्पून नमक, वन टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, वन टेबल स्पून हल्दी। साग बनाने के लिए पतीले में हम पहले ऑयल डालेंगे, टमाटर इसको थोड़ा हम सॉफ्ट कर लेंगे। पहले टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके, अब इसमें हम लहसुन डालेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, हरी मिर्च, मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम इमली ऐड करेंगे। साग इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका ऑयल ना निकल आए। सरसों का साग हमारा तैयार हो चुका है, अब इसमें हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम ऑयल डालेंगे, लहसुन, साग हमारा तैयार हो चुका है, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। साग को सर्व करेंगे चावल की रोटी के साथ।